राजभोग मानसी पूजा प्रातः काले शुद्ध अने पवित्र थई अने तमारी दिव्य मूर्ति नू मनन चिंतन अने ध्यान कर्यो तेना फल रूपे तमे मने तमारी दिव्य मूर्ति ना दर्शन सुखनी अनुभूति करावी शीतल शांत सचेतन ताप हरनारू सर्वव्यापी तमारू ते सुख मने स्पर्शी गयो मारा आत्मा मा प्रवेश करी तमारी मूर्ति ने त्या प्रस्थापित करी गयो। आत्मा मा मूर्ति प्रस्थापित थताज बधा प्रश्नों नू समाधान थई गयो। कई जानवानू के ग्रहण करवानू रह्यू नहीं। जाने दशेय इंद्रिय तथा मन ने एक साथे ज तेनु भोजन मड़ी गयो। नेत्र इंद्रिय ने तमारु अति सुंदर दिव्य स्वरूप नू दर्शन थयो। श्रोत्र इंद्रिय ने तमारा मूर्ति ना घुघवता सुख समुद्र ना संगीत समा प्रणव नाद नू श्रवण थयो। ग्राण इंद्रिय नू तमारी मूर्ति ना सुखनी दिव्य सुगंध थी शमन थयो। तमारा सुखना स्पर्श थी मारु समग्र अस्तित्व ओगड़ी गयु। तमारा मय थई गयु। जिह्वानी तमारी मूर्ति ना रसनु पान थयु। वाहला ते रसना चाखण हार छाशते नव पीवे रे लूल। हवे तो माइक सुख सामी दृष्टि करवा जेवू रह्यू नहीं। दरेक ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय नी तृप्ति करतु तमारु दिव्य स्वरूप अने तेनु सुख तेज रह्यू। बाकी सगड़ू गयू। बाधितानु वृत्ति मा थई शके तेवी दिव्यानुभूति तमे मने करावी। मारी सुख क्षुदा शमावी। मारा प्रभु तमारे साथे आ रीते एकता सधाई एटले बधा माइक द्वंदो मटी गया। सुख दुख हर्ष शोक जन्म मरण जय पराजय वगैरे द्वंदो तेमने स्थाने रह्या तो खरा, परंतु मारा पर तेमनी असर थती मटी गई। जाने के तमारी दिव्यतानु एक कवच मारी रक्षा करवा लाग्यो। तेवी ज रीते अनेक दोषो जेम के काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या तृष्णा मद मत्सर वगैरे तमारी दिव्यताना प्रताप मा अंजाईने दबाई गया, शांत पड़ी गया, मने पीड़ा आपता मटी गया। हवे ते फरी सचेतन थई मने पीड़े नहीं तेवी तमारा दिव्य चरणों मा प्रार्थना करू छू। तमारा अनेक गुणों मारा मा प्रकाशित थई रह्या छे। परोपकार सर्वजीवहित कृपाणुपणु मानद तितिक्षा वगैरे अनेक गुणों अने लक्षणों मारे विषे तमारा द्वारे आविर्भाव अने संचार थई रह्यो छे। आ बधा गुणों तमारा छे। तमे सर्वे गुणोना स्वामी छो। बधा गुणों तमारा माथी उद्भवे छे। जेम श्री अबजी बापा श्री कहे छे तेम मागेला घरेणा पहेर्या होय ते कदी पोताना मनाई नहीं तेम
આ સર્વે જે સદગુણો તે તમારા છે, તે મારા કદી મનાય નહીં, તેનો મારે અહંકાર કદી કરાય નહીં। તમારા દિવ્ય સ્વરૂપનો આવી રીતે આવિર્ભાવ તે મારા આત્માનું પોષણ કરે છે, તે જ મારા આત્માનું ભોજન છે। હવે મારે આ દેહ દ્વારા કઈ પણ માયિક પદાર્થ કે અન્ય અક્ષર સુખ આરોગવાનું કે ગ્રહણ કરવાનું રહ્યું નથી, કોઈ અતૃપ્ત વાસના રહી નથી, કોઈ મહેચ્છા અધૂરી રહી નથી। અસદ વાસના રહેત અને તૃપ્તિ, શાંતિ, શીતળતા, સંતોષ અને સદગુણો સહિત તમારી મૂર્તિ અને તેનું અનુસંધાન તે જ રહ્યું છે। આ રીતે તમે મારા આત્માને તમારી દિવ્ય મૂર્તિના સુખનું પાન કરવા પાત્ર બનાવ્યો। હે સર્વસમર્થ મારા સ્વામિનારાયણ, તમારા અને તમારા અનાદિ મુક્તો વગર આ કરવા કોઈ સમર્થ નથી। હું તમારા ચરણોનો દાસ આત્મા હવે તમારા સ્વરૂપમાં તલ્લીન થઈને સમાઈ જવા તત્પર છું।